उधम सिंह नगर में एक ऐसी अनोखी यात्रा सामने आई जिसको देखकर और सुनकर हर कोई हैरत में पड़ रहा है। यात्रा भी ऐसी कि एक युवक जनपद के बाजपुर से अपने गले में जूते चप्पलों की माला पहनकर ट्रेन में सवार होकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन के लिए यात्रा पर रवाना हुआ और ये यात्रा चर्चा का विषय बन चुकी है। युवक के द्वारा अपने गले में जूतों चप्पलों की माला पहन यात्रा मासूम बच्चों के साथ कुकर्म, नाबालिग किशोरियों के साथ दुष्कर्म के विरोध में समर्पित है। भले ही आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को दंडित करते हैं तब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उधम सिंह नगर के एक युवक ने अपनी मर्जी से ही अपने गले में जूते और चप्पलों की माला पहनी। इस युवक ने अपने गले में जूते चप्पलों की माला मासूम बच्चियों और नाबालिगों के साथ हो रहे दुष्कर्म के विरोध में पहनी। युवक ने उधम सिंह नगर की विधानसभा बाजपुर से अपनी पत्नी के साथ अपने गले में जूते चप्पलों की माला पहन दिल्ली राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ऑफिस के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जिससे ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी यात्रा अनोखी यात्रा के रूप में उभरी जो एक चर्चा का विषय बन गई है। जूते चप्पलों की माला पहनने वाला युवक ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के युवक ने अपने देश और प्रदेश से अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और नागरिकों की हत्या आदि जघन्य अपराधों को रोकने उद्देश्य से गले में ये माला पहनी है। उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वो पूरी तरह सफल नहीं है। उनके इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी रात दिन मेहनत के बाद भी, हम उसको सफल बनाने के लिए और हमने संकल्प लिया है कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी 99% क्राइम नहीं कम होगा। जब तक हमें जूते की माला उनकी सेवा के लिए पहन रखा है, और अगर हम अपने इस मकसद में नहीं कामयाब होते तो हमने संकल्प लिया हुआ है कि मरने के बाद अंतिम यात्रा में भी फूलों की माला में ना जाकर जूतों की माला में जाना पसंद करूँ।